तो गाइस फुल वीडियो आ चुका है और आप रिएक्शन को देखते 40 सेकंड स्किप करके देख सकते हो कि बात करें जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब टीम इंडिया की जो कि घर वापसी हो रही है और पूरी तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सब चक्का जाम लग गए हैं, पूरी तरह से भी सब ढोल नगारों से जो कि इंडियन प्लेयर का जो कि वेलकम हो रहे हैं और पूरी तरह से भाई सब लाखों फैन जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो कि जमा हो गए हैं और इन वेलकम को देखकर भाई सब पाकिस्तानी मीडिया जो कि हैरान हो उठा है। भाई सब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भाई सब ऐसा भव्य वेलकम कभी नहीं देखा है। तो पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इस इंडिया का वेलकम को देखकर, तो पहला आप रिक्स तो गाइस बात करें चैनल पर नहीं चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो की बात करें सब क्यों ना हो भाई सब वेलकम। भाई सब जिस प्रकार से टीम इंडिया ने काम ही भाई सब जबरदस्त किया, जिस प्रकार से भाई सब एक भी मैच ना हार कर भाई सब टीम इंडिया को जीत दिलाना भाई सब सबसे बड़ा भाई सब ये बात है। जिस प्रकार से विराट कोहली का बल्ला फाइनल में चला, जिस प्रकार से रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेली, जसप्रीत बुमराह भाई सब, अर्शदीप, हार्दिक पांड्या भाई सब, पूरी तरह से सभी प्लेयरों ने सभी ने समान योगदान दिया और जिस प्रकार से टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत कर भाई सब घर वापसी हो रही। तो भाई सब टीम इंडिया के जो कि प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी ने भी ये कह दिया कि जिस प्रकार से टीम इंडिया में आएगी तो उसी प्रकार से उनका भव्य वेलकम होगा, भव्य स्वागत होगा और कुछ इसी प्रकार से स्वागत किया गया और पूरी तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर भाई सब टीम इंडिया के भी सब नारे लग रहे थे विराट और रोहित के और जिस प्रकार से रोड जाम हो गया और जिस प्रकार से भाई सब लाखों की संख्या में फैन बस रहे, टोल नगारे बज रहे थे और भाई सब इस भव्य वेलकम को देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान हो उठा है। पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि हमारी टीम पहले कभी भी वर्ल्ड कप जीत कर आई तो भी ऐसा स्वागत जो कि हम पाकिस्तान में नहीं किया गया था और इंडिया में जिस प्रकार से स्वागत किया मैंने पाकिस्तानी मीडिया देखकर भाई सब शौक हो उठा है और जिस प्रकार से टीम इंडिया ने ये वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेली ना भाई सब जबरदस्त क्रिकेट खेली है और जिस प्रकार से भाई सब टीम इंडिया के सभी बैट्समैनों ने योगदान दिया, सभी बॉलरों ने, सभी प्लेयरों ने भाई साहब सभी डिजर्व करते थे वर्ल्ड कप जीतने के लिए और शानदार विक्ट्री अपने नाम की और वर्ल्ड कप जीतकर इंडिया में जो कि स्वागत हो रहा है। अब दिल्ली एयरपोर्ट के बाद स्वागत होने के बाद टीम इंडिया सीधा वानखेड़े स्टेडियम में जाएगी और वहां पर भाई साहब कुछ सेलिब्रेशन होगा, फिर उसके बाद जो कि रोड शो देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से 2007 में टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आई थी धोनी की कैप्टनशिप में, तो उसी प्रकार से जो कि रोड शो देखने को मिला, इसी प्रकार से जो कि आज भी रोड शो देखने को मिलेगा और फिर बाद में टीम इंडिया रोड शो में जो कि सेलिब्रेट करेगी अपनी ट्रॉफी, फिर बाद में लाखों की संख्या में वहाँ भी फैन आएंगे, पूरी तरह से रोड जाम हो जाएगा मुंबई का, फिर बाद में टीम इंडिया जाएगी जो कि भाई साहब नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर है जो इंडियन जनरल के, जो उसी प्रकार से जब टीम इंडिया नरेंद्र मोदी के साथ जाएगी फिर मोदी उन्हें जो कि भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन जो बधाई देंगे, फिर बाद में टीम इंडिया का यह सेलिब्रेशन खत्म होगा। लेकिन भाई साहब टीम इंडिया जीत कर आई तो यह सेलिब्रेशन तो अब तो भाई साहब एक महीने तक यह खत्म नहीं होगा। जिस प्रकार से टीम इंडिया ने क्रिकेट खेली और 17 साल के बाद टीम इंडिया ने जो कि ट्रॉफी का सूखा चल रहा था वो जो कि अपने नाम किया है, तो आपको पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कैसा लगा? अच्छा लगा? चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।